बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुदस व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसी के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। 5-6 दिन के बाद जाके जो है आज मुझे मौका मिला है व्लॉग बनाने का। मौका तो नहीं मिला, मौके तो पहले भी बहुत आए हैं, लेकिन मोबाइल ख़राब होने की वजह से, मोबाइल का कैमरा ख़राब होने की वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि बार बार वीडियो को कट करना पड़ता है और वो जो जहाँ मेरी वॉइस आगे पीछे हो जाती है तो उसको कट करना पड़ता है। इसलिए बार बार जो है ना मैं नाकाम हो गया था, यार ये क्या मसला है। मैंने कहा जब मोबाइल चेंज करूँगा तब जाके जो है ना मैं व्लॉग बनाऊँगा। लेकिन दो तीन क्या कहते हैं सीन समझ लें आप लोगों को मिस कर दिए मैंने भी, और आप लोगों को दिखाना मिस कर दिया कि वो बनाने थे मुझे व्लॉग बनाने थे लेकिन बस नहीं बना सका। मैंने कहा चलो आज जो है ना फिर ट्राई करते हैं मोबाइल पर, क्या पता आज जो है इसमें लैग ना आए और दूसरी बात इसमें वॉइस आगे पीछे ना हो। और मैं जो है वो कैमरे को 4K पे जो है ना शूट कर रहा था, क्वालिटी थी 4K 60 FPS, लेकिन अब मैंने जो है वो 1080p और 60 FPS कर दिया ताकि वो क्या कहते हैं शायद कोई फ़र्क आ जाए। तो देखेंगे बाद में कि फ़र्क कोई आया कि नहीं आया। खैर इस वक्त जो है हम लियारी एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं चाचा की गाड़ी में, और इसका जो है परसों काम करवाया था, परसों काम करवाया था इसका। और इसकी टर्बो है क्योंकि एवरी जो पुराना मॉडल था 2010 से पहले वाला उनमें जो है वो टर्बो नहीं थी, उसके बाद जो मॉडल आया उनमें टर्बो लगी हुई है। यानी कि इस गाड़ी का पिकअप बहुत ज़बरदस्त है अगर टर्बो प्रॉपरली काम कर रही हो तो। सो अब वो टर्बो जो है पिछले दो साल हो गए टर्बो से ख़राब, 2 साल पहले ख़राब हो गया था। तो उस वक्त जो है गाड़ी कराची आई थी मियाँ वाली से, और यहाँ हमने इसका प्रॉपरली काम करवाया था, लेकिन क्योंकि गाड़ी चाचा के पास होती है तो उस वक्त भी चाचा के पास ही थी गांव में मियाँ वाली में। सो चाचा जो है ना उनके पास गाड़ी नहीं थी, जब ये गाड़ी कराची आ गई तो हमने इसका फटाफट जल्दी जल्दी से काम करवाया, और काम करवाने के बाद जो है चाचा को फिर भिजवा नहीं दी, हम खुद ले गए थे बाय रोड। सो जब हम खुद इसको बाय रोड लेकर गए, जिस बंदे ने गाड़ी बनाई थी उसने कहा कि भाई इसमें उसने पूरा टर्बो सिस्टम जो होता है ना उसने वो चेंज नहीं किया था, खाली उसने किट चेंज की थी जो कि उस वक्त मेरे ख्याल से 12 से 13 हज़ार रुपये की आई थी। उसने मुझे परसों ही बताया था, उसने जब चेक किया ना पूरा पुराना हिसाब किताब तो वो कहते हैं मैंने उस वक्त जो है वो 12 से 13 हज़ार रुपये की जो है वो किट लगाई थी, उस वक्त आई थी 2 साल पहले। सो अब जो है दोबारा क्या मतलब उसी टाइम जब लगाई थी और मियाँ वाली पहुँचे तो रास्ते में ही गाड़ी का वो मज़ा नहीं था, गाड़ी की वो पिकअप नहीं थी जो पहले थी जब हमने गाड़ी ली थी, जब से हमारे पास गाड़ी थी। तो यहाँ से मियाँ वाली जाते हुए 2 गाड़ियाँ थी, तो बस समझ लो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी ना मैक्सिमम वो उस वक्त 85 टू 90 भी तब होती जब कोई ढलान आए, तो उस वक्त जो है ना ये 90 तक पहुँच जाती, अदरवाइज ये 90 जाती नहीं थी। इसको जितना भी आप खींच लो इसका जो RPM है वो तो पहुंच जाएगा 7000 तक, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो बमुश्किल से 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचती है बस, या 70 तक। तो अब जो है क्या कहते हैं चाचा लोग कराची आए थे उमरे पर जाने के लिए, तो अब उन्होंने कहा कि आप लोग गाड़ी पर ही आ जाओ ऐसा ऐसा। सो गाड़ी ले आए, अब गाड़ी का जो है वो काम करवाया है परसों। सो अभी वही टेस्ट ड्राइव लेने के लिए ही हम निकलेंगे, क्योंकि कराची के अंदर हमें कोई जगह नहीं मिली जहाँ इसको हम प्रॉपरली ड्राइव कर सकें, जहाँ इसको हम प्रॉपर एक्सेलरेट कर सकें। इसकी स्पीड जो है वो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड जाती है 140 तक, उसको हम ले कर गए हैं 140 किलोमीटर पर आवर तक हम इसको ले कर गए हैं गाड़ी पर जाती है। लेकिन अभी इसको जब हमने ड्राइव किया है लियारी पर तो ये जो है ना बमुश्किल गई है 95 तक, यानी ये पहले थी 85 टू 90, अब जो है नहीं 95 तक गई, ढलान पर इसने 100 तक गई है, 100 को टच किया है, उससे ऊपर नहीं गई। मैंने पूरा जोर लगाया गाड़ी का, लेकिन गाड़ी का पिकअप थोड़ा सा बेहतर हुआ है, उस वक्त तो गाड़ी का पिकअप भी बहुत डाउन हो गया था, अब ये है गाड़ी का पिकअप जो है काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन वही गाड़ी की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर इस वक्त जो है हमने कहा चलो सिर्फ गाड़ी को चेक करना लियारी तक घूम के आना वो ठीक नहीं है, साथ एक और काम करते हैं कि सब्जी मंडी से भी होके आते हैं, कुछ जो है ना वेजिटेबल ले आते हैं, फ्रूट्स ले आते हैं वहाँ से। तो अब ये है गाड़ी चेक भी हो जाएगी और साथ जो है ना कोई सब्जी वगैरह भी घर आ जाएगी। तो
बस अभी साथ में ये साथ बैठे हैं मेरे, हम दोनों भाई निकले हैं इस वक्त गाड़ी को टेस्ट ड्राइव गाड़ी के लिए रहे, वो साथ साथ जो है वो सब्जी मंडी भी जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखा है कि गाड़ी को मैंने फुल एक्सीलरेट किया है, इसका आरपीएम जो है वो 7000 तक पहुंच गया था, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम इसने जो है ना 80 दी है। हाँ, दो तीन जगह पे ऊंचाई भी आई थी, इंक्लाइन था, लेकिन वहां भी इसने जो है ना बस मुश्किल से इसने 80 की। तो जी फाइनली 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 हम पहुंच गए हैं सब्जी मंडी पर, सब्जी मंडी कहें या फ्रूट मंडी कहें, क्योंकि दोनों जो है वो एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। और यहाँ जो है क्या लिखा हुआ है सामने, होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट कराची। और खैर इस वक्त हम थोड़ा सा अभी लेट हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 7 होंगे शायद, और लेकिन रश जो है वो थोड़ा है, अभी भी है, वरना रश बहुत ज़्यादा होता है इस वक्त। अगर हम थोड़ा सा पहले आते, 1 घंटा पहले आते, तो रश जो है हमें ठीक ठाक मिलना था, क्योंकि कराची की सबसे बड़ी मंडी है आखिर, और यहीं से जो है वो पूरे कराची में आपको सब्जी और फ्रूट ये सब कुछ जो है वो सप्लाई होता है पूरे कराची में, सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको। अभी तक तो हमें मंडी में सिर्फ केला ही केला नजर आया है, फ्रेश केला, फ्रेश फ्रेश। ये जो लोग अभी यहाँ सेल कर रहे थे, उन्होंने मंडी से केला खरीदने के बाद अब जो है अपनी रेड़ियों पर सेल करना स्टार्ट कर दिया है। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना, भाई सामने खड़े हैं, इन्होंने अपनी रेडी पर जो है वो बनानास रखे हुए हैं, तो ये इन्होंने मंडी से खरीदने के बाद अभी यहाँ सेल कर रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ लेने आएगा बनानास बनानास। चेक करें सब्जी मंडी का माहौल, आपको हर सब्जी यहाँ मिलेगी। मेरे छोटे भाईजान वो रहे, वो इस वक्त डीलिंग कर रहे हैं और सब्जी जो है वो यहाँ काफ़ी हमने ले ली है, और अभी काफ़ी जो है ना वो लेना बाकी है। माशाल्लाह से इतनी सब्जी जो है हम ले चुके हैं अभी, और अभी कुछ सब चीज़ें जो है और रहती हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरह की 1-1 किलो, 2-2 किलो या 3-3 किलो सब्जी ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ पर जो है सब्जी आसानी से मिल जाएगी, 10 किलो 5 किलो, ठीक है, लेकिन जो खुली सब्जी होती है ना वो लेना यहाँ पर ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं होल सेल में, जो आपको ओपन कोई देता ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से तलाश की है। अभी और चीज़ें भी रहती हैं, फिलहाल वो ढूंढते हैं, फिर चलते हैं फ्रूट की तरफ। तो जी माशाल्लाह से सब्जी मंडी से सब्जी ले ली है, और अब जो है फ्रूट मंडी की तरफ आए हैं। आपस में थोड़ा सा फासला है, अगर आप कराची की तरफ से आ रहे हो तो आपको पहले लेफ्ट साइड पे सब्जी मंडी मिलेगी, और उसके फिर आगे यानी तकरीबन मेरे ख्याल से 500 मीटर की शायद दूरी पर, या 500 मीटर से भी कम फासला होगा, आपको फिर उधर ही लेफ्ट साइड पे फ्रूट मंडी मिलेगी। तो अब जो है कुछ फ्रूट लेने गया है भाई, क्योंकि यहाँ गाड़ी की जगह जो है पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, या तो आप बिल्कुल ही एंट्रेंस पे लगा दो गाड़ी, अगर आप अंदर लेके आते हो ना साथ कोई बंदा होना चाहिए आपका, कोई बंदा साथ होगा तो फिर आप जो है ना गाड़ी अंदर लगा कर खुद बंदा गाड़ी में बैठ जाए, वैसे जो है ना जगह नहीं मिलती। जब तक जो है मैं अपना मोबाइल चेंज नहीं कर लेता तब तक मैंने व्लॉग शूट नहीं करने थे, मैंने यही सोचा था, लेकिन आज जो है व्लॉग बनाने के दो मकसद हैं, एक तो ये कि मोबाइल चेक करना कि यार मोबाइल में आखिर क्या ऐसा फॉल्ट था कि मुझे जो है वो व्लॉग बनाने से रोक रहा है, दूसरा ये कि आज जो है वो एक तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करनी थी, तो मैंने कहा इसी के साथ साथ गाड़ी को भी व्लॉग के अंदर शामिल कर लूँगा, और मुझे वैसे ही गाड़ी की वीडियो बनानी थी कि मैं वापस जाकर मैकेनिक को ये बात कह सकूँ कि भाई गाड़ी जो है वो इसने
इतनी स्पीड मारी है इससे ऊपर नहीं गई, या इसमें जो है इसमें ये फॉल्ट था ये फॉल्ट था, तो प्रूफ के तौर मैंने वैसी वीडियो बनानी थी। तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो साथ व्लॉग बना लेते हैं, तो अल्लाह करे अल्लाह करके जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ो व्लॉग जो है ना वो मैंने अपना बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद जो है ये मोबाइल काम कर जाए और कुछ बेहतर काम कर रहा है 1080p पर, लेकिन अगर मैं कुछ शिफ्ट करता हूँ 4K पे तो फिर ये इतना बेहतरीन काम नहीं करना। सो आज का मेरा यही मकसद था कि मैंने कहा चलो व्लॉग जो है वो इतना सही बनाऊंगा कि ना मोबाइल गर्म हो और ना ही जो है मेरा व्लॉग ख़राब हो। तो बस अभी करना क्या है कि अभी सब्जी मंडी से हम निकले हैं और थोड़ा सा गाड़ी को और ड्राइव करना है, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे पे तो इंक्लाइन है और डिक्लाइन है, तो यहाँ बिल्कुल सीधा रोड है, तो यहाँ एक मरतबा गाड़ी को ड्राइव कर कर जो है ना यहाँ चेक करना है कि यहाँ गाड़ी क्या स्पीड देती है और गाड़ी का क्या एक्सीलरेशन है। तो यहाँ गाड़ी को टेस्ट करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। पंप पे पहुंचे थे और गाड़ी यहाँ पर जो है सिर्फ रोकी थी पेट्रोल डलवाने के लिए, गाड़ी बंद भी नहीं की और गाड़ी जो है वो गर्म हुई और गाड़ी खुद ही बंद हो गई। पता नहीं गाड़ी गर्म हुई है समझ नहीं आया, ये गाड़ी जो है बंद हो गई है। ज़्यादा गर्म हुआ गाड़ी में जो है पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद जो है ना गाड़ी हीटअप हो गई है। अब क्या रीज़न है, हीटअप तो नहीं हुई है लेकिन ये कि पेट्रोल डलवाया ना तो गाड़ी रोकी है और गाड़ी खुद ही बंद हो गई, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। जी सब्जी मंडी से होते हुए अभी घर की तरफ जो है वापस जा रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे से होते हुए, और दूसरी बात ये कि गाड़ी ने जो है कोई ऐसा वैसा साइन नहीं दिया कि गाड़ी जो है वो हीटअप हो गई है, गाड़ी हीटअप नहीं हुई, लेकिन समझ नहीं आ रही कि गाड़ी जैसी हमने रोकी है पंप पे तो गाड़ी बंद क्यों हुई। खैर गाड़ी जो है वो बंद हुई, कुछ देर खड़े रहे और बोनट जैसे आपने देखा बोनट खोला, खोलने के बाद उसमें हमने पानी शानी डाला, तो 5 से 7 मिनट बाद जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। सो अभी जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं। सो जो मकसद था आज के व्लॉग बनाने का, जैसे कि मैंने बताया कि वही है कि मैंने कहा व्लॉग वैसे बनाना नहीं था लेकिन बनाया इसलिए कि यार चलो गाड़ी भी चेक हो जाएगी, गाड़ी की वीडियो भी बन जाएगी व्लॉग के अंदर भी, और वैसे भी प्रूफ के तौर पर कि उसको जो हमने प्रूफ दिखाना है मैकेनिक को तो वो प्रूफ आ जाएगा हमारे पास, इसलिए मैंने कहा चलो आज व्लॉग भी बना लेते हैं। और कुछ कैमरे ने भी मोबाइल ने भी साथ दिया अपना, इतना गर्म नहीं हुआ अभी भी जाना चल रहा है सही, लेकिन जैसे ही कैमरा ओपन करो तो अटकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वीडियो ऐसी बनाना स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकंड जो है ना वो आप समझ लो मोबाइल छोड़ दो, लेकिन अब जो है वो कैमरा खोलते ही जो है ना वो कैमरा अटकता है, उसके बाद सही काम कर रहा है। क्वालिटी कम की है उसकी, जो रेजोल्यूशन है वो कम की है, इसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया है, लेकिन फिर भी जो है वो काम कर रहा है। खैर मोबाइल तो बस चेंज करना ही करना है, तो खैर आज का बस मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ही अपना व्लॉग बनाऊंगा और थोड़ा सा ही मैंने व्लॉग बनाया कि सब्जी मंडी और सब्जी मंडी से वापसी घर और घर के पास व्लॉग अपना ख़त्म। वैसे आज हमारा मैच भी है, मेरे इस सोते हुए भाई ने जागे इस हो रहा था भी, तो इसने जो है ना वो क्रिकेट मैच रखा है अपने दोस्तों के साथ, उसके जो कॉलेज मेट्स थे उनके साथ जो है आज हमारा मैच है आफ्टर जुमा प्रेयर, और इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो, लेकिन वहाँ मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ वैसे ही अभी तो गाड़ी में बैठे इतनी गर्मी नहीं है, वहाँ तो बाहर गर्मी होगी, सो वहाँ तो मैं व्लॉग बना नहीं पाऊँगा। तो अपने व्लॉग का इधर ही इख्तिताम करता हूँ, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अब वो आज बने मोबाइल की कॉल आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, हफ्ते बाद जब भी आए, तो जब मोबाइल आएगा अब तभी व्लॉग जो है ना वो इंशाल्लाह बनाएंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़, कई लोग ऐसे हैं जो कि आते हैं व्यूज़ लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, तो यार सब्सक्राइब करने में कौन सा टाइम लगता है, हैं एक क्लिक करना है शुरू, बस टच करना है ना खाली सब्सक्राइब के बटन पे, और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो, सर लाइक भी ठोक दो, तो क्या जाता है आप लोग को जाएगा, हम भी कहते हैं यार किसी को हम एमिंग किसी को सब्सक्राइब कर देते हैं जो अच्छा लगता है, जिसके सब्सक्राइबर कम होते हैं ताकि उसको सपोर्ट किया जाए, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और भाई को सपोर्ट करें
और इस सोते आदमी के साथ जो है ना, अल्लाह हाफिज़।